हेलो, आज हम लोग मॉडल्स के बारे में देखेंगे। मॉडल्स का मतलब क्या होता है? और ये वैसे देखा जाए तो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मॉडल्स क्या होते हैं? तो ये होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। ये हेल्पिंग वर्ब्स है जो किसी चीज़ को या किसी एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो हम देखते हैं इनमें से जो मेन है उनके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मे और माइट। अब मे और माइट ये क्या दर्शाने के लिए यूज किया जाता है? तो या तो परमिशन या फिर पॉसिबिलिटी। अब परमिशन का मतलब क्या होता है? परमिशन का मतलब होता है अनुमति। अगर आपको किसी से कोई चीज के अनुमति लेनी है तब आप ये मे या माइट यूज कर सकते हैं। वही पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। जैसे हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे परमिशन, परमिशन के लिए हम लोग ये कैसे यूज करेंगे? मे आई टेक योर बुक, मे आई हैव योर फोन नंबर। यहाँ पे हम उसका परमिशन ले रहे हैं कि क्या मैं आपसे फोन नंबर ले सकता हूँ। वैसे ही अगर माइट की यूज करें, इट माइट रेन टूडे, यहाँ पे हम संभावना जता रहे कि आज बारिश हो सकती है। तो मे और माइट ये परमिशन या पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए यूज किया जा सकता है। दूसरा जो हम लोग देख रहे हैं वो है शल या विल। अब ये शल और विल जो है ये फ्यूचरिटी या किसी तो भी फ्यूचर की किसी घटना को दर्शाने के लिए यूज़ किया जाता है या फिर डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अब मैं आपको इनका अर्थ बता देती हूँ। फ्यूचरिटी का मतलब होता है जो भविष्यकाल से संबंधित हो, और डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। आप एक बार ठान लेते हैं आई विल स्कोर गुड मार्क्स। आजकल वैसे देखा जाए तो ये विल का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा किया जाता है और शल को इतना यूज़ नहीं किया जाता है। तो विल ज़्यादा जगह पे यूज़ किया जाता है। वैसे आप शल और विल दोनों के बारे में हम एक नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, उसमें बताएंगे शल कब यूज़ किया जाता है और विल कब यूज़ किया जाता है। बट फिलहाल के लिए याद रखिए कि जो शल है वो यूजुअली आई या वी के साथ यूज़ किया जाता है। ओके, और विल शल ये दोनों क्या दर्शाते? फ्यूचरिटी, ओके, या डिटर्मिनेशन। इसका मतलब क्या होता है? वी शाल ओवरकम करोना वन डे। इसका मतलब हम करोना के ऊपर जीत एक न एक दिन जरूर पाएंगे। ये दर्शाने के लिए हम वर्ड क्या, लेटर, अल्फाबेट, ये क्या यूज किया हमने सेंटेंस, वी शाल ओवरकम करोना वन डे। ओके, नेक्स्ट हम लोग जो देख रहे हैं वो है वुड। वुड का मतलब होता है रिक्वेस्ट, या हम कह सकते हैं हैबिचुअल पास्ट दर्शाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। आई वुड लाइक टू नो अबाउट द प्रेजेंट सिचुएशन। मैं अभी की जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके बारे में जानना चाहती हूँ। निवेदन कर रहे हैं हम उसको, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज मुझे अभी की जो सिचुएशन है उससे अवगत करा दीजिए, मुझे उसके बारे में बता दीजिए। आई वुड लाइक टू नो अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क। मैं ये जानना चाहेंगे, हम ये जानना चाहेंगे कि अभी काम कितना हुआ है, उसकी प्रोग्रेस कितनी हुई है। तो हम ये वुड यूज़ करते हैं। तो वुड जो है वो आदत बताने के लिए या फिर किसी को कोई निवेदन करने के लिए हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शुड। अब शुड का मतलब क्यों यूज़ किया जाता है शुड वर्ड? तो ये एडवाइस देने के लिए या फिर ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। दोनों शब्दों का अर्थ देखिए, एडवाइस ये तो आपको पता होगा सलाह देने का, या फिर ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कर्तव्य। ओके, यू शुड अबाइड द रूल्स, यू शुड अबाइड द रूल्स ऑफ द रोड। रोड के जो रूल्स हैं वो उसका पालन आपको करना चाहिए, ये आपका कर्तव्य है। यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, आपका कर्तव्य है कि आपसे बड़े जो है उनका आप आदर करें। एडवाइस देने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं,
सलाह देने के लिए, जैसे हम कह सकते हैं यू शुड ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, आपने आपके दांत दो बार ब्रश करनी चाहिए दिन में, ये हमने एडवाइस दी है। इसके लिए भी हम शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वो है कैन या फिर कुड। देखते हैं कैन कुड कब यूज करते हैं, एबिलिटी दर्शाने के लिए। एबिलिटी जो है आपकी जो खासियत है, आपकी हम कह सकते हैं जो ताकत है, वो बताने के लिए कैन या कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं हम। ओके, आई कैन विन, यू कैन विन, यू कैन सक्सीड, आप में इतनी काबिलियत है कि आप जीत सकते हैं, आप कह सकते हैं कि आपको सक्सेस मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स्थ हम लोग देखते हैं जो हो सकता है, जैसे ले लें कौन सा, मस्ट या फिर उसके साथ हैव टू, ये क्या बताएगा, इसके लिए कंपल्शन, ये आपने करना ही चाहिए, ये अनिवार्य है करने के लिए। यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क बिफोर टाइम, आपने समय से पहले अपना काम कंप्लीट करना ही चाहिए। यू मस्ट, यू हैव टू कंप्लीट, यहाँ पे आप जोर दे के कह रहे हो उसे कि आपने अपना काम समय से पहले करना चाहिए, यहाँ पे सख्ती दिखाते हैं आप, यू मस्ट डू दैट। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूज टू। अब ये यूज टू भी आप हैबिचुअल जो आपकी चीजें हैं, जो आप हैबिचुअली करते थे पास्ट में, उसको दर्शाने के लिए यूज टू वर्ड यूज किया जाता है। आई यूज टू गो टू स्कूल ऑन अ साइकिल, मैं अपने स्कूल में साइकिल से जाती थी, मैं ये करती थी, ये मेरी हैबिट थी, मैं रिपीटेटिवली ये करती थी। आई यूज टू डांस वेरी वेल व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं बच्ची थी या जवान थी तब मैं बहुत अच्छा डांस करती थी। ये जो कंटिन्यूस चीज़ें जो पास्ट में हो चुकी है उसको दर्शाने के लिए आप यूज टू वर्ड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जैसे नीड टू। नीड का मतलब होता है नेसेसिटी, ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़रूरत है, यू नीड टू, ये जब हम बोलते हैं तो इस चीज़ की ज़रूरत है। क्लियर, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑट टू, ये भी आपका कर्तव्य बताता है, ऑब्लिगेशन बताता है। ऑट टू, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कर्तव्य, यू ऑट टू स्पीक द ट्रुथ, आपका कर्तव्य है कि आपने सच का साथ देना चाहिए, आपने सच बोलना चाहिए। क्लियर, एक लास्ट देख लेते हैं, वो लेते हैं विच इज डेयर टू। आपको याद होगा हम लोग ये गेम खेलते हैं डेयर, राइट, इसका मतलब क्या होता है, डेयर और डू, इसका मतलब क्या होता है कि आप में कितनी हिम्मत है, हिम्मत को हम कह सकते हैं करेज, तो ये दिखाने के लिए हम डेयर टू का इस्तेमाल करते हैं। डेयर, डू यू डेयर टू क्रॉस द सी, क्या आप में इतनी हिम्मत है, क्या आप इतनी हिम्मत दिखा सकते हैं कि आप सी को क्रॉस कर जाएं। हमने यहाँ पे कुछ जो आपके 12th पोर्शन के हिसाब से जो इम्पॉर्टेंट मॉडल्स है उसको हमने देखने की कोशिश की है। ये एग्ज़ाम के हिसाब से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक नज़र इसके ऊपर डाल लीजिए, ये याद करके जाइए, ये कंसेप्ट्स क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये कंसेप्ट्स आपको क्लियर होंगी तो आप अपने एग्ज़ाम में, ये शायद से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। और हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स सो दैट यू विल हेल्प अस टू ग्रो, राइट, बाय।